हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेलरी एंड ब्यूटी टाइम। मैं प्रियंका मिश्रा, मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, काफ़ी अच्छा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम कहीं गए हैं और हमारे पास मेकअप की चीज़ अवेलेबल नहीं है, बाई चांस कहीं छूट गया या फिर नहीं है, तो हम कम चीज़ों से किस तरह से मेकअप लुक अपना परफेक्ट दे सकते हैं, बढ़िया दे सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ कि बिना प्राइमर बिना हाइलाइटर के भी हम अपना मेकअप लुक अच्छा दे सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। अगर ऐसा हो कि हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो भी हम मेकअप अच्छा क्रिएट कर सकते हैं मेकअप लुक अपना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से अब शेयर करती हूँ कि किन किन चीज़ों से मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी नेल क्रीम, और इसको फेस पे डॉट डॉट करके पहले मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। डॉट डॉट इसलिए करेंगे ताकि क्वांटिटी में कहीं कम और कहीं ज़्यादा ना रह जाए। फिर इसको अच्छे से सेटअप कर लेंगे, लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, और उसके बाद हल्का सा फेस पाउडर अपने फेस पे मैं अप्लाई करूँगी, और उसको मुझे हल्का सा बस टचअप देना है, ज़्यादा फेयरनेस लगा देने से ज़्यादा फेयरनेस हो जाएगी। तो इस तरह से लगाना है कि वो अच्छे से हल्का सा बस टचअप देना है, और उसको फिर अच्छे से सेट कर लेना है हमें अपने फेस पे। और उसके बाद फिर हम आई शेडो लगा लेंगे। आई शेडो आप अपना जो कलर चाहें चॉइस करके अपने ड्रेसअप के हिसाब से, आप ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो मैंने पिंक कलर की आई शेडो लगाई। आप अपने ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग आई शेडो आप लगा सकते हैं, और जिस टाइप से भी आपको कलर कॉम्बिनेशन शेड देना हो आप शेड दे सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने आँखों में अब आई लाइनर अप्लाई करने। और आईलाइनर आप चाहें तो अपनी आंखों के शेप के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बड़ी छोटी जिस हिसाब से आप मोटी आईलाइनर पतली आईलाइनर आप लगा सकते हैं, विग आईलाइनर आप लगा सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा मोटी आईलाइनर पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं ना पतली ना मोटी मीडियम में आईलाइनर में लगाती हूँ, और ज़्यादा विग भी मैं नहीं निकाल रही हूँ इसमें। और अप्लाई आईलाइनर अप्लाई करते वक्त हमें इस बात का पूरा ध्यान देना होता है आईलाइनर आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, क्योंकि उससे फिर आँखों का शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि आईलाइनर हमारी आँखों की खूबसूरती को बढ़ाता है, इसलिए हमें अच्छे से इसको अप्लाई करना होता है। और इस बात का भी साथ ही ध्यान देना रहता है कि अगर आईलाइनर बिगड़ा तो हमारा पूरा मेकअप फिर हमें बिगाड़ना पड़ेगा, हमें फेस वॉश करना पड़ेगा, देन ही वो रिमूव हो पाएगा। इसलिए हमें आईलाइनर बहुत ही आराम से अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने आईलाइनर लगा लिया है, मैंने अच्छे से अपना जैसे मुझे शेप देना था मैंने आईलाइनर से अपनी आंखों का शेप दे दिया है। और अब मैं जा रही हूँ पलकों पे मस्कारा लगाने। मस्कारा लगाने से हमारी पलकें काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, तो मस्कारा लगाने जा रही हूँ। और मस्कारा लगाने से पलकों की खूबसूरती बढ़ जाती है। और अब मैं मस्कारा से ही अपना आईब्रो फिल करूँगी, क्योंकि आईब्रो फिल करने के लिए मुझे मस्कारा की जो ब्रश होती है ना, इससे काफ़ी ऐसे ईजिली आईब्रो फिल हो जाती है। आप देखिए मैं कितनी ईजिली इससे अपना आईब्रो फिल कर लूँगी। और मुझे एक्चुअली ये मस्करा से ही एक्चुअली आईब्रो फिल करना इजी पड़ता है, इसलिए मैं कभी भी आईब्रो पेंसिल का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसे ही अपना आईब्रो फिल करती हूँ, और मुझे काफ़ी इजी पड़ता है और शेप भी इसका अच्छा जाता है। मैं बिल्कुल भी आज तक मैंने कभी भी आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ किया है, मुझे इजी पड़ता है इसलिए मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। आप देखिए मैं अभी भी आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि मस्करा से कितने ईजिली आईब्रो फिल हो जाता है। तो आप देखिए मैंने आईब्रो फिल कर लिया है अपना। तो मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने। पर उससे पहले लिपस्टिक लगाने से पहले हमें अपने होठों पर लिप बाम जरूर लगाना चाहिए, इससे लिपस्टिक आपकी रुखी रुखी टाइप से नहीं दिखती है, होठ फटे फटे टाइप से नहीं दिखते हैं, जो बहुत बुरे लगते हैं दिखने में। तो लिप बाम हमें पहले अप्लाई कर लेना चाहिए लिपस्टिक लगाने से पहले। हो गया मेरा मेकअप लुक रेडी। प्लीज़ गाइज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।